तो भाई अपनी फिल्मों की मार्केटिंग एंड प्रमोशन करना बॉलीवुड में अगर सच में किसी को आता है तो वो है वन एंड ओनली शाहरुख खान। लेकिन आप जानकर थोड़ा शॉक्ड रह जाओगे, जो स्टार आज अपनी फिल्मों की प्रमोशन बुर्ज खलीफा पर करता है वो कभी अपनी फिल्मों के प्रमोशन टिकट काउंटर पर जाकर टिकट बेचकर करता था। तो भाई आज भी अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए एक्टर्स क्या क्या नहीं करते। कोई कपिल का सहारा लेकर महफिल जमाने की कोशिश करता है, कोई शादी के फेक इन्विटेशन देके, कोई बाल काट के, तो कोई पब्लिक का हुतिया काट के। लेकिन इन सब में एसआर के हमेशा से ही सबसे ऊपर रहे, क्योंकि वो पार्ट टाइम स्टार फुल टाइम बिजनेसमैन जो है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन बात है 1994 की, जब एसआरके की फिल्म आती है कभी हाँ कभी ना, बड़ा ही बिगर टाइप नाम है ना। लेकिन इस फिल्म के प्रमोशन के लिए एसआरके गेटी सिनेमा जाते हैं, जहाँ वो टिकट काउंटर पर ऑटोग्राफ वाली टिकट बेचना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, उस टाइम पर एसआरके उतने बड़े स्टार तो नहीं होते, लेकिन इस टेक्निक से 1.4 करोड़ की फिल्म 5 करोड़ का कलेक्शन करती है। वैसे हमने राइज ऑफ स्टार में एसआरके पर भी एक मस्त वीडियो बनाई थी, आप उसे भी जाकर देख सकते हो, या फिर सल्लू भाई के फैन हो तो सलमान खान वाली वीडियो भी चैनल पर प्रेजेंट है।